नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मैं संतोष लोधी, ग्राम गुंडा से सरपंच, सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तिरंगा ये रखा है उसका कार्यक्रम घर घर तिरंगा फहराने का उसके लिए 13 से 15 तारीख जो है उसमें तिरंगा फहराना, अपने अपने निवास स्थल पर तिरंगा फहराना। नमस्कार, मैं सुनील सिंह राजपूत, सचिव ग्राम पंचायत गुंगा, जनपद पंचायत देवसिया, जिला भोपाल से हूँ। मैं मेरी ग्राम की सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मेरे ग्रामवासी की समस्त जनता से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम जारी किया गया है, इस कार्यक्रम में मैं हमारे अभी जो नवीन सरपंच साहब निर्वाचित होकर आए हैं और पूरी पंचायत के पंच उप सरपंच वगैरह सभी मिलजुल कर पूरी ग्राम की जनता को हम जागरूक करेंगे। अभी जो अभियान 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ में मनाया जा रहा है उसको एक कार्यक्रम के रूप में हर घर में जागरूकता हमारे द्वारा दी जाएगी कि हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम किया जाए। इस कार्यक्रम की हम और हमारे अभी सरपंच साहब बहुत अच्छे बनकर आए हैं, उन्होंने और हमारी आज पंचायत का प्रथम सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम हमारी ग्राम पंचायत के जितने भी घर हैं, हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 650 घर वर्तमान में हैं, अब हम इस घर में किस तरह की व्यवस्था, हर घर को तिरंगा किस तरह से उपलब्ध करवाना है, इसकी हमारे द्वारा आज रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत हम हमारे मिलजुल कर हम हर घर तिरंगा उपलब्ध कराएंगे और उन्हें इतनी इस कार्यक्रम को सभी को जागरूकता करते हुए इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम हमारे सरपंच साहब हमारी पंचायत पूर्णतः पूरा सहयोग प्रदान करेगी। और इसी कार्यक्रम के साथ मैं मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि इसी तरह हर प्रत्येक पंचायत आगे कदम उठाए और अपनी अपने ग्राम, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में हर घर इस उत्सव, इस त्यौहार के रूप में इस हर घर तिरंगे कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए जो भी अपना मतलब जो अपनी जानकारी है, जो सहयोग हो वो जानकारी पूरे अपने ग्रामवासियों को, जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी दी जाए। इसी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामवासियों, पूरे मध्य प्रदेश के नगर शहरवासियों और पूरे भारतवर्ष से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अपना सब सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।